आज हम आपको रांची के एक 5 सितारा होटल में ले चल रहे हैं। यहाँ हमारे और आपके लिए एक ऐसी कहानी इंतजार कर रही है जिसे बहुत पहले ही सुनाया जाना चाहिए था। यह कहानी इस होटल के उस शेफ की है जिसके मुरीद देश के राष्ट्रपति, क्रिकेट स्टार से लेकर एक्टिंग की दुनिया के लोग हैं। 5 सितारा होटल में इंतजार कर रही इस कहानी की शुरुआत एक मामूली से आदिवासी गांव से हुई थी। झारखंड के जंगल में बसे गांव का आदिवासी लड़का जब मुंबई पहुंचा तो पहली बार ऊंची इमारत देखी थी, लेकिन इमारत की ऊंचाई से उसके इरादे ज्यादा बुलंद थे। इस सफर में उन्हें बदगुमानी का शिकार होना पड़ा तो सफर में बेहतरीन दोस्त भी मिले। आज वो अगर रांची में हैं तो इसलिए कि वो अपनी माटी से प्यार करते हैं, वरना तो उन्होंने दुनिया के एक से एक बड़े और खूबसूरत शहरों में अपना हुनर दिखाया है। आज भी उनकी आंखें नम हो जाती हैं जब याद करते हैं कैसे उस्ताद ने सरिये से पीटा और फिर सीने से लगा लिया। अंदाज उनका ऐसा कि पहली ही मुलाकात में किसी का भी दिल लूट ले। देखिए हमारे मेहमान खुद ही मेजबान कैसे बन गए हैं। जोहार, नमस्कार, मैं हूँ रिया तिर्की और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो जोहार जिंदगी में, जहाँ हम ऐसे लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी और अपने क्षेत्र में बहुत कुछ हासिल करते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई है। खाने में जायका डालना एक कला है और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट ने इस कला में महारत हासिल की है। एक छोटे से गाँव से निकल कर, एक 5-स्टार होटल के किचन तक का रास्ता इन्होंने अपने संघर्षों और काबिलियत से तय किया है। वैसे तो ये देश विदेश घूम चुके हैं लेकिन अभी भी अपने मड़ुआ रोटी का स्वाद नहीं भूले हैं। तो आइए मिलके जानते हैं शेफ रामचंद्र उराव जी के जिंदगी के जायके के बारे में। जोहार सर, जोहार, और हमारे शो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ आपका जन्म हुआ, कैसे आपका बचपन बीता, उस सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा बताइए आप। मेरा जन्म गुमला के मुरुम सुकरा गांव में हुआ और इनिशियल मेरी पढ़ाई है जो गांव में ही हुई। तो स्कूल तो प्रॉपर नहीं था, पर स्कूल के नाम पर गांव के घर का एक ढाबा हुआ करता था। अच्छा। ब्राह्मदक है जिसको, और उसमें 4 क्लास तक पढ़ते थे हम लोग एक साथ में ही। कोई सेक्शन नहीं था, कोई अलग रूम नहीं था, इकट्ठे बैठते थे, एक ही टीचर हुआ करते थे और वहीं हम लोग पढ़ते थे। आप सभी बच्चों को साथ ही में पढ़ाया जाता? जी जी जी। तो अगर प्राइमरी के बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर पोएम्स पढ़ रहे हैं या फिर कोई टेबल रट रहा है तो सबको उसी साथ एक साथ पढ़ना पड़ता था। तो इनिशियली पढ़ाई मेरी गाँव में हुई 4 क्लास तक। बाद में मेरी माँ ने रियलाइज़ किया कि भाई यहाँ का पढ़ाई सफिशियंट नहीं है आगे की ज़िंदगी के लिए। फिर वहाँ से माँ ने गुमला ले आने की प्लान किया, जो क्लोज बाय शहर है तो गुमला था, वो थोड़ा डेवलप शहर, तो वहाँ हम लोग चले आए। तो आप लोग गुमला आए, तो आपकी मम्मी का हाथ रहा है गुमला लाने में और आपकी पढ़ाई में आगे बढ़ने में आपकी मम्मा ने हेल्प किया है? बिल्कुल, चूँकि गाँव था और मैं गाँव में क्या है, बाकी बच्चों की तरह गाँव में जामुन खाना, आम तोड़ना, गुलेल से चिड़िया मारना, यही सब करता था। और तब उनको लगा कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि भाई इस तरह चलता रहेगा तो इसका तो आगे कुछ न हो ही पाएगा, इसके लिए मुझे कुछ अच्छा स्टेप लेना पड़ेगा और कहीं अच्छा मूव करना पड़ेगा। फिर गांव के एक अंकल से बैलगाड़ी मंगाया। मैं तो उम्मीद करता था कि गुमला आऊँगा तो फिर कोई मोटर गाड़ी में बैठ के आऊँगा, लेकिन वो बैलगाड़ी लाई। हाँ, फिर बैलगाड़ी का जो अपना मजा था, गुमला से बैलगाड़ी से हम लोग गुमला आए, गुमला में किराए का मकान फिक्स किया, फिर वहाँ एक प्राइमरी स्कूल में मुझे दाखिला कराया जिसका स्कूल का नाम था बाल भारती स्कूल। तो वहाँ से मेरी आई की पढ़ाई शुरुआत हुई गुमला में जी। तो आप गांव से निकल के आए
और आप जब गुमला शिफ्ट हुए तो कुछ ऐसे डिफिकल्टी रही होगी आपके लिए पढ़ाई लिखाई में कोप अप करना, या फिर कुछ ऐसा आपको लगा कि कुछ ऐसे संघर्षों का आपको सामना करना पड़ा होगा? हाँ हुआ, इनिशियली बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हुआ था। अब गांव में मेरे गांव की लैंग्वेज थी, गुमला थोड़ा शहर है, वहाँ शहर के बच्चे थे तो मेरी इवन हिंदी प्रॉपर नहीं थी, मेरे गांव में सादरी बोलता था। तो लैंग्वेज कहीं ना कहीं आपकी लैंग्वेज प्लस इनिशियली वो स्कूल भी था तो इंग्लिश मीडियम था, इंग्लिश मीडियम बोले या फिर इंग्लिश हिंदी मीडियम बोले तो ऐसा था, लेकिन मेरे लिए अचानक से थोड़ी गांव का पहाड़ा हिंदी उससे ऊपर उठ के अब इंग्लिश मीडियम में आगे बढ़ते तो थोड़ा मुश्किल तो हुआ था, लेकिन चूंकि बचपन था बहुत जल्दी कवर अप किया, और मैं गाँव में तो अपने दोस्तों का लीडर हुआ करता था वैसे ही, तो वहाँ इनिशियली दबा लेकिन बाद में जब खुल गया तो फिर वहाँ भी वैसे ही हो गया मेरा। तो जैसे आपने बोला कि आपको लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपने दाखिला लिया, तो ऐसा कभी हुआ कि जैसे जब आप गांव से आते हैं तो आपका रहन सहन खान पान गांव के हिसाब से होता है, तो जैसे आप गुमला आए तो ऐसा कभी हुआ कि बच्चों के साथ आप बैठ रहे हैं और कुछ ऊंच नीच आपको देखने को मिला खाने से रिलेटेड? हाँ ऐसा हुआ मेरे साथ। जी जी जरूर से बताइए। मेरे दोस्त थे जो काफी अच्छे घर से बिलोंग करते थे, अब सबकी टिफिन स्पेशली टिफिन के टाइम में स्कूल हुआ करता था खुला जा रहा है, स्कूल में पेड़ पौधे होते थे, कार्ड लंच के टाइम में हम लोग फ्री कहीं बैठे खाते थे, तो हम दोस्तों से जरा दूरी बैठते थे, वो लोग बताऊँ क्यों वो कहाँ पराठा कुछ सब्जी वो भी कुछ लेके आए और मैं लेकर था मड़वा रोटी, मड़वा रोटी जो रोटी में इनिशियली देखते ही फर्क पड़ जाता था कि भाई वो काला रोटी क्या खा रहा है वो गरीब, तो मेरे को कहीं ना कहीं वो फीलिंग हुआ करता थी कि ये मड़वा कहीं गरीबों को खाना है भाई, अपने टिफिन का ढक्कन जो होता था उसको मैं ऐसा खड़ा करके छुपा के खाता था, छुपा के खाया करते थे, तो खैर आप याद करते तो अच्छा लगता है। पर चलिए बहुत बहुत खूबसूरत, लेकिन वो सब चीज़ें रहती है जो भी हम बचपन में एक्सपीरियंस करते हैं। और मुझे ये बताइए कि सबसे अच्छा आपका कौन सा लम्हा था बचपन में, जब बड़े हुए आप धीरे धीरे करके आप जब स्कूल ज्वाइन किए तो ऐसे कोई मतलब ऐसे कोई इंसिडेंट्स होगा या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन होगा जो आपको हमेशा अच्छा लगता है, इसके बारे में कुछ बताएं। गुमला में इनिशियली मैं पढ़ाई तो किया लेकिन मेरा फोकस था, मेरे मामा जी जो कि आर्मी में थे तो मुझे आर्मी में जाना था, कहीं ना कहीं उससे मैं फैसिनेटेड था या कह सके कहीं मैं उससे प्रेरित था, तो जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ के वापस बाजू में मेरा हाई स्कूल था, उसका नाम सेंट इग्नेशियस स्कूल था, बहुत पॉपुलर स्कूल है और अच्छा स्कूल था, तो मेरी हायर एजुकेशन मतलब हाई स्कूल वहाँ हुई, और वहाँ ज्वाइन करने के बाद में फिर चूँकि आर्मी जाना था तो मैंने NCC ज्वाइन कर ली वहाँ, और NCC में भी इनिशियल फर्स्ट ईयर तक तो मैं कैडेट रहा लेकिन सेकेंड ईयर में फिर मैं उनका सर्जेंट बन गया, तो वो स्कूलिंग का लाइफ था बहुत मज़ेदार था, हाँ और बदमाशियां तो हुआ करती थी सही। तो आपके आप जिस तरह से आप बताए कि आपने ज्वाइन किया तो आपके जो मामा हैं वो ऑलरेडी डिफेंस में थे, तो कहीं ना कहीं आपके पापा का भी कुछ ना कुछ रोल रहा है इस चीज़ में, आपके पापा भी शायद मेरे पापा पुलिस में थे जी, तो चूंकि आर्मी और पुलिस दोनों फर्क था लेकिन चूंकि आर्मी का ड्रेस मेरे को बहुत अच्छा लगता था, उनका जो एक लिविंग स्टाइल है जो जी, अच्छा छोटा छोटा बाल मस्त स्मार्ट हैंडसम कसरती रहते हैं, और जहाँ पुलिस ट्रैफिक में रहकर पेट बड़ा रहेगा तो वो कहीं ना कहीं मेरे को फैसिनेट नहीं करता था, वो तो मैं आर्मी से ड्राइव था, अभी भी पता नहीं कहीं कहीं वो है आर्मी से ड्राइव थे। तो जैसे आपने बोला कि आर्मी का जो ड्रेस है वो यूनिफॉर्म है, आप उससे कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड थे, तो वो यूनिफॉर्म से अभी वाला यूनिफॉर्म में कैसे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो उसके बारे में आप बताइए। ये बहुत लंबा फासला है जो मैंने चला है, अब मैं शुरू करूँ आपको, मैंने चूंकि NCC कर चुका था, मेरे को NCC माना था, मैं मैट्रिक हो गई, तो आपका पूरा एम था NCC में ही जाना था, NCC से होके मेरे को जाना है आर्मी में जाना है, आर्मी में ही जाना आपका वही था, आर्मी लेकिन फिर अचानक से उधर से इधर शिफ्ट होना बहुत हाँ एक बहुत लंबी छलांग मारी थी, लंबी छलांग मारी, इसके पीछे एक कहानी है, मतलब कहूँ तो मैंने शुरू जब की तो जब रांची आ गया पढ़ाई करने के लिए तो मैंने दोस्तों से पता चला NDA होता है 12th के बाद में NDA कर सकते हैं, और मैंने टारगेट किया फोकस किया, और साथ में कुछ पढ़ाई करता रहा, बैंकिंग का भी रहा, तो इनका एक सेम पैटर्न का एग्ज़ाम हुआ करता था, तो मैंने जब NDA के लिए अप्लाई किया इसी टाइम पे रांची में भप्पी लहरी शो था, उसमें कुछ रांची के बॉम्बे से जया प्रदा भप्पी लहरी असरानी लोग आए थे, प्रोग्राम बहुत बड़ा शो बहुत बड़ा प्रोग्राम नेपाल सिंह स्टेडियम में था मेरे को याद है जी।
और मैं अपने दोस्तों के साथ गया वहाँ। तो मेरे मामा चूँकि आर्मी से रिटायर होके मेकोन कॉलोनी में सिक्योरिटी थी, तो उनके घर आना जाना में रहता था, मैं करता था। तो मेरे ममेरे भाई के साथ में बप्पी लहरी की बहन शायद रहती थी यहाँ पर, या कोई रिलेटिव रहता था, उनका रुकना वहीं हुआ। और उनके भांजा जो होटल मैनेजमेंट की, तो होटल मैनेजमेंट के बारे बताते थे कि यहाँ एक्टर्स आते हैं, ऐसा ग्लैमर है, ऐसा कुछ है, ऐसा खाना मिलता। तो कहीं ना कहीं मैं उससे फैसिनेट हो गया थोड़ा देर के लिए। वहां से आपका मतलब मोटिवेशन का वो एक सोर्स था कि नहीं मुझे ये करना, कह सकते हैं उसको। हाँ। लेकिन तभी मैं इंडिया का एग्जाम दे चुका था और इंडिया में मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। सिलेक्शन होने में थोड़ी दिक्कत आई थी क्योंकि मैं अंग्रेजी मेरे को आती नहीं थी, जीडी में छटा गया था जी। ये बात मैं पूछना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली आपका, जब आपने बोला कि आप इंग्लिश मीडियम में आए थे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था आपके लिए, तो फिर जब आपका सिलेक्शन प्रोसेस आया उसमें कैसे अंग्रेजी आपका कहीं ना कहीं, मेरे को जब पूछा तो मैं ठीक से बोल ही नहीं पाया, मैं वहाँ छट गया था। अच्छा। उसके बाद में चूंकि मेरे पास सी सर्टिफिकेट था तो 15 मार्क्स ग्रेस था, तो कहीं ना कहीं मेरा हो गया। मेरे को ज्वाइन करना था खड़क वासला। जब ज्वाइनिंग की डेट एक साथ आया फिर मेरी माँ लेट गई। अच्छा, मम्मी ने पूरा अल्टीमेटम लेट गई जाना ही नहीं है बेटा, इतना खेती है, इतना वो है, आर्मी में जाते हैं आदमी को गोली लगता है, शादी नहीं होता है, लड़की नहीं देते कोई, पता अपन ने कहाँ कहाँ कहानी बताई, फिर सपना चूर हो गया मेरा। तो कैसा वो मोमेंट रहा होगा, क्योंकि देखिए एक सपना टूटना बहुत बड़ी चीज हो जाती है, तो वो सपने को छोड़ के फिर आगे बढ़ना, तो वो कैसे आपने कोप अप किया उस चीज को? मम्मी तो प्यारी थी, नो डाउट, मम्मी तो जो बोलेगी। पिताजी को मन था कि जाए, लेकिन माँ को कहीं ना कहीं नहीं था। मेरे मामा जी को गोली लगते देख चुकी थी, उन्होंने बिल्कुल बाउंड्री लाइन खड़ा कर दिया, या फिर तुम जाओ या फिर घर मत आओ। तो फिर मैंने छोड़ दिया, गिव अप कर दिया उसको, और बताया जैसे कि बताया कि वहाँ मैं, हाँ तो वहाँ से फिर मैंने उनसे भी चलो इंस्पायर हो गया, कहीं मेरे को कहीं वो ग्लैमर का लाइफ अट्रैक्ट किया। जैसे एनडीए का आपका सपना तो खैर चूर चूर हो गया, जैसे आपकी मम्मी ने पूरा अल्टीमेटम दे दिया कि नहीं नहीं जाना है, तो उसके बाद जब आप होटल मैनेजमेंट के बारे में सोचे, आपको मोटिवेशन मिला बप्पी लहरी जी का शो से, लेकिन जब फिर आप होटल मैनेजमेंट में घुसे तो नेशनल लेवल का एग्जाम देना पड़ता है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं, आपका इंटरव्यू कैसा गया, कैसे आपने क्वालिफाई किया? भर दिया फॉर्म और उसमें से क्लोज बाय सेंटर हमको कलकत्ता ही मिला, तो और भी एक दो फ्रेंड थे यहाँ से, तो कलकत्ता घुमाते हैं फ्री में, इस बहाने चलो कलकत्ता चले गए। और तो कलकत्ता गए, वहाँ एग्ज़ाम दिए। मेरे मामा जी मेट्रो में काम करते थे, मतलब दूर के, बहुत दूर के थे, तो मेट्रो, फिर मेट्रो पहली बार सुना था, कभी घुमा तो नहीं था मैं, ज़मीन के अंदर ट्रेन चलता है भाई, तो ट्रेन में पास मिल गया फ्री, यहाँ वहाँ घूमते रहे, एग्ज़ाम भी दे दिया मस्ती में। चूँकि बैंकिंग का और इसका पैटर्न सेम था, मेरे को बहुत एग्ज़ाम बहुत ईजी लगा, मैंने एग्ज़ाम दे दिया मस्ती मस्ती, जाना तो है नहीं, घूमने आया हूँ, एग्ज़ाम दे दिया, आ घर आ गया, तो मैं भूल भी गया एग्ज़ाम दिया मैंने। फिर कुछ दिन बाद इसका रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट आया तो इंटरव्यू के लिए जाना है। अब मैं सोचा कि क्यों ना इंटरव्यू का भी एक्सपीरियंस ले लें, इसी बहाने इंटरव्यू दे आते हैं। और फिर इंटरव्यू देने चला गया, इंटरव्यू देने जाने के पहले, अब चूंकि मैं था हिंदी मीडियम से, मेरे को अंग्रेजी तो आता नहीं था, अब यहाँ एक स्पोकन इंग्लिश क्लास था, मैंने स्पोकन इंग्लिश क्लास में ज्वाइन कर लिया और सर को बताया कि भाई मैं इसके लिए इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। तो उसने बताया कि संभावित क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा, ऐसा पूछा जाएगा आपको, तो उसके अकॉर्डिंगली तैयार कर लो। अब मैंने लाइन बाय लाइन लिखा लिया, उसको रट लिया पूरा का पूरा, अच्छे से पूरा रट्टा पूरा रट्टा मार के गया। और जब इंटरव्यू की बारी आई तो मस्त बाल कटा के हैंडसम बन के गया, स्मार्ट से वॉक, जैसे जैसे से मेरे को डमी कराया उसने, वॉक करके गया और बैठा सामने पैनल में, 4-5 लोग बैठे हैं भाई, सबको देख के विश किया। कॉन्फिडेंस आपका कॉन्फिडेंस था, नो डाउट, जाना तो है नहीं तो डरना किस बात से, जिसके दिल में भाई नहीं है उसको कुछ है नहीं, तो वही मेरे साथ रहा। तो मेरे को क्वेश्चन पूछे उन्होंने, रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, मैं तो रट्टा मार के गया था, मेरे को यही याद था, कुछ भी पूछा घुमा फिरा के मैं उसी में जवाब दे दिया। उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस लेवल देखा, पता नहीं क्या भी देखा। अब मैंने सिलेक्शन हो चाहे ना हो, मैंने उसमें 3 कैटेगरी था, आप कहाँ कहाँ चॉइस करते हैं जगह, मेरे को पता था मेरे को तो होना नहीं है दिल्ली या बॉम्बे, होना नहीं है, हो सकता है थर्ड चॉइस कलकत्ता मिल जाए। मैंने पहला चॉइस मारा बॉम्बे, सेकेंड चॉइस दिया दिल्ली, और थर्ड चॉइस दिया कलकत्ता। जब रिजल्ट आई
तो मेरे को मेरा फर्स्ट चॉइस मिल गया बॉम्बे, जहाँ मेरे को जाना ही नहीं था। क्या बात है, कहीं ना कहीं किस्मत का रोल रहा है। किस्मत है जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बॉम्बे में जब आप शिफ्ट हुए और वहाँ पे बॉम्बे में आपने जब कलिनरी स्कूल आपने ज्वाइन किया, और आपके बहुत सारे क्लासमेट्स भी रहे होंगे जो बॉम्बे से रहे होंगे, तो आप कोई ऐसे क्लासमेट्स के बारे में बताइए जो बहुत क्लोज थे आपसे, या फिर जो अभी बहुत अच्छे स्तर पे काम कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ा आप बताइए हमें। अब मैं बताऊँ आपको, कहीं की नहीं ना, टेरेंस लुइस जो एक वेरी पॉपुलर कोरियोग्राफर है। जी जी अभी जी। और रूपाली गांगुली, रूपाली गांगुली इनिशियली मेरी क्लासमेट थी, मेरे टेबल पार्टनर थी, आर से नाम था दोनों, वो टेबल में एक ही टेबल में काम करते थे। अब भाई मैं थ्योरी में बहुत वीक था, बहुत वीक, खाना वाना बनाना था तो घर में बनाता था, यहाँ पर हॉस्टल में तो खाना वाना बना लेता था, बर्तन मांजती थी। इनिशियली में अच्छा लगा हमको उससे काम करके, वहाँ पर टीचर्स भी कॉर्पोरेट करते थे, पर जब टर्म लाते थे वर्ड्स ऐसे होते थे, कलनरी टर्म्स ऐसे थे, मेरे को जड़ी बूटी लगता था, ये क्या है, क्लोव, ओरेगेनो, रोजमेरी, थाइम, बेजिल, नहीं क्या जड़ी बूटी का नाम ले रहे हैं, दिखाया भी है तो इनिशियली कुछ समझ में आता था, हम जानते हैं जीरा, गोलकी, लहसुन, अदरक, बस इतना ही हमें पता है जी। और लेकिन तो, कलिनरी स्कूल में जाके फिर सब चीज को देखना, और एक एक चीज वजन करके डाले, ऐसा क्या है, हम तो ऐसे डालते थे और अंदाजा ठीक रहता है, लेकिन चीजों को जब बारीकी से सीखना हो तो वही एक जरिया है, वही एक तरीका है, जिसे स्टैंडर्ड रेसिपी फॉलो करना आगे, चीजें इधर उधर ना हो, टेस्ट एक जैसा रहो, तो जरूरी था। बाद में चीज़ों को मैंने समझा। अच्छा, ऊपर से मेरे लिए एक तो अंग्रेजी कमजोर, ऊपर से फ्रेंच, फ्रेंच, अच्छा फ्रेंच भी, फ्रेंच भी तम था, करेला के ऊपर करेला भी नीम चढ़ा वाला हो गया मेरे हिसाब से, अभी एक और हेडेक, मगर लेकिन ये था कि रट्टा मारता मैं फ्रेंच रट्टा के पार कर लेता था, लेकिन तो आपने इंग्लिश रट्टा मार के अपना इंटरव्यू क्वालिफाई किया, और फिर बाद में स्पाइसेस को नाम को भी रट्टा मार के और फ्रेंच को भी रट्टा मार के आपने आगे बढ़ा। तो मैं, मुझे आप ये बताइए, जैसे कि आपके बहुत सारे क्लासमेट्स थे जो बॉम्बे से भी थे, ठीक है, तो अभी जैसे आपने बताया टेरेंस के बारे में बताया आपने, फिर उसके बाद रूपा गांगुली जी के बारे में बताया, तो इतने, अब ऐसा भी हुआ होगा कि आपको किसी के ऊपर क्रश आया होगा, कोई ऐसी क्लासमेट होंगी जो आपको पसंद आई होंगी, या फिर कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होंगे जो आप बताना चाहेंगे हमें? है ना जी, बताइए। मेरी धर्मपत्नी अभी वही तक है, मैंने मेरी क्रश थी कॉलेज में, हम साथ पढ़ते थे और मैं सबसे कमजोर था भाई, मेरे को सब लोग पढ़ाता था ट्यूशन में जाके, तो ऐसे ही फ्रेंडशिप में रहते 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 कब वो डेवलप हो गया मैं पता भी नहीं चला। तो आप लोग फर्स्ट ईयर से ही आप लोग एक दूसरे को जानते थे? फर्स्ट ईयर से था। हाँ, फिर नॉर्मली कन्फेस कब किया कि है कुछ हम दोनों के बीच में? थर्ड ईयर जब हम पास आउट हो गए और जब अपने अपने घर को चले गए तो वो पिंच, वो पेन फील किया, फिर उसके बाद भी बहुत दिन के बाद हमको। मैम बेसिकली है कहाँ की? मैम कहाँ? बेसिकली वो अकोला से हैं और उनकी पढ़ाई वहीं मुंबई में हुई, चूँकि इंडस्ट्री सेम था हमारा और हम एक दूसरे को अच्छी तरह अच्छे फ्रेंड थे, क्या अभी भी फ्रेंड है जी। तो मैं घर में बताया, क्या फिर बता दिया कि भाई ऐसा मेरे साथ में है, तो पहले तो सब ताज्जुब, ये लड़का ऐसा कभी कर सकता है जो चुपचाप से रहने वाला लड़का, जो मतलब क्या बोलते हैं रट्टा मार मार के, मेरे बैच में भी अभी तब ताज्जुब करते हैं कि भाई ऐसा ही इसने किया, पहले पहला था मैं, बहुत छुपे रुस्तम निकले इस टाइप का। तो दिल्ली आया इंटरव्यू के बहाने और फिर उसको घर लेकर आया, ऐसा नहीं कि मैं उसको धोखा दूं, चूंकि मेरे को लगता था कि मैं बहुत लोअर बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, तो उसको मैं दिखा दूं पहले सब कुछ कि मेरा बैकग्राउंड ये है, अपने पेरेंट्स से मिलाया, बोकारो लाया, घर में दिखाया, घर से मिला, सब लोग मिलनसार थे, मम्मी पापा लोग बहुत खुश थे लड़की से। और लड़की के परिवार वाले बिल्कुल नहीं, पहले तो बिहार था, बिहार सुनते ही नहीं, उसने एक बार अपनी माँ से रखा बात, लेकिन उसके भाइयों तक बात चला तो बिल्कुल ना था। अब रास्ता कुछ बचा नहीं, मैं जॉब करने लगा, शादी की बात आगे बढ़ने लगी, तब हमारे पास एक ही उपाय था, या फिर कर ले शादी, घर मेरे तरफ से तो ओके था लेकिन उसकी तरफ से नहीं था। फिर कैसे हुआ आगे, कैसे बात आगे पहुंची? नहीं बचा, फिर वो बोली आगे करना है तो मेरे को घर से निकलना ही पड़ेगा, अगर तुम्हारे तरफ हाँ है तो ही निकलूंगा, सेफ है, तो मेरे तरफ सेफ है। फिर उसने टिकट कटाया, टिकट किया रांची का, मैं भी टिकट कराया रांची से, वो बिना बताए घर से, माँ को सिर्फ बताई और भाग गई, वो आ गई वहाँ से, आ गई वापस, भाग के आ गई, फिर रांची आ गए। और रांची में चूंकि ऐसा ओड सीजन में आता तो शादी कहाँ होता, तो हमने यही जगन्नाथ मंदिर में शादी। फिर उसके बाद अब तक आपका रिलेशनशिप और सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो आप कहीं ना कहीं आपका जो लाइफ में सक्सेस है अभी, तो उसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? बहुत लोगों का योगदान है, आप किसको किसको बुलाऊं, लेकिन टीचर्स का भी रहा, पेरेंट्स का रहा, जिन्होंने मेरे को
पढ़ाया लिखाया, फिर वहाँ जाने के लिए अलाउ किया। एक तो बिल्कुल अलग लाइन पकड़ा मैंने, जहाँ बैंकिंग और बीपीएससी हमारे टाइम बहुत फेमस करता था, सब जिसको पूछो वही बीपीएससी की तैयारी करता था, वो सब छोड़ के मैंने होटल मैनेजमेंट की। तो पेरेंट्स ने कहीं जाने के लिए वो अनुमति दी, फिर दोस्तों ने सहयोग किया, लेकिन इन सब के बीच तब कॉन्फिडेंस मैंने बिल्डअप किया जब अलका बुलाया, मेरी वाइफ मेरे लाइन में मेरे लाइफ में आई, तो मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है हर चीज़ में, एक एक करके कॉन्फिडेंस आता गया। तो अगर मैं यहाँ से इंडस्ट्री की अगर सफलता की अगर मैं बात करूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी वाइफ का बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे करियर में, तो उसमें चीज़ में इनकार नहीं कर सकता कभी। जैसे कि आपने बोला कि आपके टीचर को भी आप क्रेडिट देते हैं, तो आपके जिंदगी में कोई ऐसे टीचर या फिर कोई ऐसे गुरु रहे हैं आपके जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनके बारे में बताइए कुछ। मेरे प्रोफेसर थे विश्वनाथ अय्यर, वी के अय्यर जी, और शक्ल सूरत तो अपना रांची जी से दिखता है साउथ इंडियन थे, पता नहीं क्यों अटैचमेंट में पहले के साथ अटैच हुआ, और हर चीज़ उनको बताता था कि मेरे साथ ये हुआ, और उनको हिंदी बहुत आता नहीं था, टूटा फूटा बोलते थे तो उन्होंने, और मेरे को अंग्रेजी नहीं आता था, उन्होंने क्या किया, हॉस्टल हमको मिला जब, मेरा कोई लोकल गार्जियन नहीं था मुंबई में, क्योंकि आपको हॉस्टल के लिए लोकल गार्जियन चाहिए था, तो मेरे लोकल गार्जियन वो बन गए, मेरे वार्डन वो ही थे, और उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया कि मैं और एक मलयाली लड़का केरला वाला जिसको हिंदी नहीं आता था, मेरे को अंग्रेजी नहीं आता था, दोनों को एक साथ रूम में डाल दिया। अब वहीं से टूटा फूटा मजबूरी में बोलना ही पड़ता था, सीखते 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 हो गया। तो वो उस सर का बहुत बड़ा योगदान है, इवन फर्स्ट ईयर मेरा ख़राब हो गया, मैं फेल हो गया, नहीं कर पाया, उन्होंने बोला कि मेरे को भी अंग्रेजी नहीं आता था, मैं भी सीखा तुम्हारी तरह, तो तुम गिव अप न करो, हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर चीज़ें जब डेवलप होती गई तो फिर हौसला भी बढ़ता गया और चीज़ें आती गई, इजी होती गई। फिर आपके जो प्रोफेशनल लाइफ में आपकी बढ़ोतरी कैसे हुई, प्रोफेशनल लाइफ में कैसे धीरे धीरे करके आप आगे बढ़े, उसके बारे में थोड़ा वो बने? भी जब कैंपस की बारी आई तो फिर वही साथ जो मेरे साथ में सिलेक्शन हुआ था वही वापस आया, जीडी में फिर छट जाता था, मैं हर हमेशा मिलता ही नहीं था मैं कहीं जॉब। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं एक होटल मिल गया, मेरा हॉलीडे इन, वहाँ जॉब करता था मैं, लेकिन वहाँ से मेरे को ट्रांसफ़र कर दिया एक छोटा होटल में, एक क्लब में, मेरा मन फिर बैठ गया। मैं अपना प्रोफेसर के पास गया, बैठा उनके साथ में, कि सर ऐसे ऐसे वो कहानी बता ही रहा था उसको, तभी एक अच्छा हेल्दी आदमी आया अपना सूटकेस लेके, जो हमारे एक्स प्रोफेसर हुआ करते थे, मिस्टर दयाल अडवाणी, तब उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि भाई ये दयाल अडवाणी है, इनका होटल है ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई ये बेचारा झारखंड से बिहार से आया है, तो बोलो ना हमारे साथ काम करोगे, बोला हाँ, उन्होंने ले गया अपने होटल में को, और मेरे होटल किधर था एग्जैक्टली उनका, खार लिंकिंग रोड में न्यू कैसल करके एक होटल हुआ करता था, मैं वहाँ ज्वाइन किया, और वहाँ मैंने ज्वाइन किया जा हायर पोजिशन में, चूँकि पुराने जो लोग थे गढ़वाली थे और बाहर जाए के लोग थे, तो इनिशियली मेरे को उतना कोपअप नहीं करते थे लोग, कोऑपरेट नहीं करते थे कि इसको पढ़ के सीधे ये अच्छा पोजीशन में आ गया, कहीं ना कहीं प्रोफेशन के हिसाब से भी आपको थोड़ा ना थोड़ा बुलिंग उधर भी आपको फेस करना पड़ा था जी। फिर उसके बाद आप कैसे आगे बढ़े? अब मैं हाईफाई परिवार तो था नहीं, तो जैसे वो थे वैसे मैं था, अब दिक्कत था तो एक लैंग्वेज का, वो गढ़वाली था, मैंने गढ़वाली सीख लिया उनके साथ रह रह के, नेपाली था नेपाली सीख लिया, तो लैंग्वेज में आपका ग्रिप अच्छा रहा है स्टार्टिंग से, पता नहीं मैं शुरू से लिंग्विस्ट हूँ इस मामले में। तो जब उनके साथ मिल गया तो अपने अपन सब सिखाने लगे, अपना कॉलेज का नॉलेज तो था ही, दोनों को मिला के बस दूस होता गया। ऐसा हुआ कि नहीं सिखाते थे कुछ चीज़ें थी टेक्निकल, रुमाली वगैरह। अच्छा मैं इनके साथ जब काम कैसे सीखा बताता हूँ, रात में सब चल जाते थे तो रुमाली होता था बड़ा टेक्निकल, उसको लाना होता है, और मैंने फिर मेरे को आता नहीं था, और मेरे को लगता था बहुत अच्छा चीज़ है ये, पहले डस्टर से सीखा, गीला डस्टर से, फिर वेट करता है, लोग सब चल जाते थे 10-11 बजे, मैं रुकता था रात को, और हमारे बिहार के जितने सिक्योरिटी थे गार्ड थे, उपाध्याय जी चौधरी जी, वो उनको सब बुला के आवा हो, सबको फिर रुमाली बना के खिला, और जो मेरे उस्ताद थे जो पेड़ा बना के जाते थे तो सफा चट सुबह तक सब बना के खिलाते थे। हाँ तो वो सुबह आके खूब गाली थे, भाई कौन कौन ऐसा करता है मेरा सब कुछ मीजा खराब कर देता था। एक दिन ऐसा हुआ कि आपको सिखाते नहीं थे इसलिए आप अपनी तरफ से सीखना चाहते थे उस चीज को जी। फिर क्या हुआ? ऐसा हुआ कि हम लोग को ओडीसी मिल गया, आउटडोर कैटरिंग, और ये वर्ली से फिशिंग में था, छत के ऊपर था, तो वहाँ तंदूर लगा हुआ था, और हम दोनों गए अब काम करने को,
मेरे उस्ताद को बहुत तेज बुखार आ गया। ऊपर एक तो समुद्र से तेज हवा आ रही है, उसका बुखार बढ़ता जा रहा था, कांपने लगा। वही जिसकी आटे की लोई आप से हाँ, करते थे वही उन्हीं को बुखार था। हाँ, फिर ऐसा हुआ कि उसको अब करे तो क्या करे, पार्टी चालू होने वाले, मेरे को बुखार है। और वहां से तब मोबाइल तो था नहीं कि इसको फोन करके बुलाएं, और वो डरने लगे कैसे करें क्या करें। आगे बारी कद्दू रोटी लगाया, फिर उससे किया ही नहीं जा रहा है। बोले उस्ताद आप बैठो, मैं करता हूँ, तंदूर के ओड़े में बैठ जाओ, यहाँ हवा नहीं लगेगा, मैं करता हूँ। अब वो बैठ गया, तो जब मैं गैस सामने आ गया तो मेरा तो जोश चढ़ गया, मैंने फटाफट एक रुमाली उड़ा रहा हूँ सब कर रहा हूँ, मेरे को ऐसे देख रहा घूर के। बिल्कुल देख रहे होगे कि कहाँ से सीखा है। अब उसी बीच मेरे जो बॉस थे वो सूटकेस लेकर आए कि देख रहा पार्टी कैसे चल रहा है, देखने आए। तो दोनों के लिए बिल्कुल नया था, ये लड़का ने तो कभी किया नहीं, ये ऐसा कैसे कर रहा है। पार्टी खत्म हो गई, सब कुछ हो गया, उसने उठाया और बोला सर तू ही वो आदमी है, मेरा पेड़ा खराब करता था, पेड़ा उड़ाया, सरिया उठाया, ये सरिया। अरे बाप रे। फिर ऐसा हुआ कि फिर उसने फिर मेरे को फिर गले लगा लिया, बोला यार कुछ भी है तुमने पीछे सीखा, मेरा एकलव्य है तू मेरे पीठ पीछे सीखा चाहे सामने सीखा, लेकिन आज इन मौके पर तुम काम आए मेरे लिए। तो वैसे ही उस्तादों का आशीर्वाद भी रहा मेरे साथ में। और फिर मेरे जो सर थे वो बोले कि तुम्हारा पासपोर्ट किधर है, पासपोर्ट दे। जी वहां से फिर आपका वहां से फिर मैं पीछे मुड़के नहीं देखा, वहां से थोड़े दिन के लिए कलकत्ता आया, कलकत्ता ओपनिंग करके फिर दुबई, दुबई से साइप्रस, साइप्रस से फिर गोवा, गोवा से फिर क्रूज, तमाम जगह। तो आप क्रूज में कितने साल पोस्टेड थे? क्रूज में ज्यादा दिन, शादी चुकी मेरी हो चुकी थी, और क्रूज में गया तो वाइफ को बहुत डर लगने लगा, पता नहीं क्यों, एक साल ही रहा मैं, वापस आ जाओ। फिर तो आपकी वाइफ कहीं ना कहीं चाह रही थी कि आप वापस आ जाइए, उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है करके। तो आप इतना इंटरनेशनली इतने सारे जगह घूमे, तो कौन सा जगह आपको लगा कि बहुत अच्छा है, मतलब कहीं ना कहीं आपको अपने घर जैसा लगा, कौन सी ऐसी जगह? सच कहूं रांची छोड़कर कोई भी जगह अच्छी नहीं लगा। वैसे देखा जाए तो सब जगह का अलग अलग खूबी होता है, साफ सुथरा। नॉर्वे जी बहुत ही क्लीन नीट और हरियाली से भरपूर अच्छा जगह है। जैसे कि हम सब जानते हैं रैडिसन ब्लू होटल में बहुत वीआईपी लोग आते हैं रहने के लिए, ठीक है। तो आप मुझे कुछ ऐसा इंसिडेंट्स बताइए, आई स्टिल रिमेम्बर आपका किनोआ वाला जो इंसिडेंट्स था वो। हाँ। मैं जानना चाहूंगी जो क्रिकेट प्लेयर लोग के साथ हुआ था आपका किनोआ वाला इंसिडेंट्स के बारे में। कभी पहले इसके पहले मैंने क्रिकेट मैच देखा था टीवी में, कभी करवाया मतलब सामने कभी नहीं हुआ था। पहली बार रांची क्रिकेट टीम आई, और इनका जो डायटरी रिक्वायरमेंट है बहुत अलग अलग होता है, तो उनमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और क्या कहते हैं ग्लूटेन फ्री ये सब चीज़ें रहती हैं। उनमें एक आइटम था किनुआ, चूँकि मैं बाहर तो देखा था, बाहर तो होता ही, रांची में अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे, अब तो मिलता मार्केट में। तो उनके डाइटिशियन ने जब हमको बोला कि ये चाहिए भाई, हमारे पास तो ये नहीं है, तो फिर मैंने उसके प्रॉपर्टीज़ चेक किए, फिर सेम प्रॉपर्टीज़ का हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शन है, और वो है रागी के रूप में। वो क्या होता है नहीं, उसको बोलते हैं रागी, बोलते हैं महाराष्ट्र में, यहाँ रांची में मड़वा बोलते हैं, और साउथ में नाचनी बोलते हैं। नाचनी। तो फिर उनका मैं 3-4 आइटम बना के बताया उनको कि कभी छिलकर नहीं, उनको उत्तपम बनाया, इडली बनाया, डोसा बनाया, अल्टीमेटली फिर एक लोकल अपना ये है छिलका रोटी बनाया, उनको छिलका रोटी बहुत पसंद आया। क्या बात। और तब से अब तक जब भी क्रिकेट मैच होता है तो छिलका रोटी एक रोटी के रूप में रहता ही उनका, मतलब उनका डिमांड रहता है कि हमें छिलका रोटी चाहिए, मड़ुआ मतलब मड़ुआ का बना हुआ जो रोटी है वो उनको चाहिए। तो देखिए कितना अंतर हो जाता है, मतलब एक टाइम ऐसा था कि मड़ुआ रोटी को और मड़ुआ को कहीं ना कहीं गरीबों का खाना कहा जाता था, लेकिन आज वेस्टर्न कल्चर में भी मड़ुआ को अडॉप्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। वही नहीं, अभी जब G20 हुआ था ना जी, तो उनका डिमांड था कि एक मिलेट और लोकल फूड रहना ही चाहिए, तो उनके हर एक मील में, जब ये 3 दिन का यहाँ था इवेंट था, हर एक मील में मिलेट और लोकल फूड दिया, और बाकी फूड की अपेक्षा इसको ज़्यादा उन्होंने प्रीफर किया, ये बड़ी बात है, तो वाइडली एक्सेप्टेड है। जी 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 सही बात है। तो G20 से मुझे याद है जब द्रौपदी मुर्मू जी जब झारखंड आई थी, उस टाइम कैसा हुआ था, वो क्या खाना पसंद करती, आपको शायद इंचार्ज दिया गया था इस टाइप का कुछ है? हाँ, मुझे बुलाया गया था उनके खाने के लिए, चूँकि लोकल फूड ज़्यादा पसंद करती हैं। तो पिछले बार जब
यहाँ थे राज्यपाल, तो हमने झारखंड फूड फेस्टिवल किया था और उनके उसके लिए उनको उनको बुलाया था मैंने इनॉग्रेट करने के लिए, तब आई थी और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था, कहीं ना कहीं चीज़ का उनको जानकारी थी और उन लोगों ने मुझे बुलाया था इसके लिए और मैं वहाँ गया था। 3 दिन मैडम के साथ ही रहा, मतलब उनके हर एक मील में बनाता रहा। तो उनको जब क्या बोलते हैं उसको, बेंग साग, बेंग साग जी और मुनगा साग और उनको गोंदली और कोदो, ये सब उनको बहुत पसंद आया। क्या बात है। तो देखिए, हमारी प्रेसिडेंट को इतना ऑथेंटिक ट्राइबल फूड खाना, डेफिनेटली वो ट्राइबल ही है लेकिन उनको इतना पसंद है। अच्छा, हाँ ये वाली बात की जब छिलका रोटी को खिलाया तो बोला कि ये खाना कौन बना रहा है यहाँ, तो उन्होंने बोला एक ट्रेडिशन का शेफ है, तो उन्होंने बोला हूँ हाँ बुलाओ, उन्होंने मेरे को बुलाया और फिर मिला उनसे। कैसे लगा? वो मेरे लिए मिसमराइजिंग मोमेंट था एकदम, कोई प्रेसिडेंट मतलब नाम से बुलाए, बुला के याद करके बुलाए और मिले, बहुत बड़ी बात थी। तो देखिए, जैसे कि ट्राइबल फूड का इम्पोर्टेंस मैं चाहती हूँ, मुझे लगता है कि आजकल के जो डाइटरी फैक्टर है उसमें एक ट्राइबल फूड का खाना खाने का इम्पोर्टेंस बहुत है, क्योंकि हमारा जो खाना होता है ना बहुत सस्टेनेबल और बहुत हेल्दी और न्यूट्रिशन के हिसाब से होता है। तो रेडिसन ब्लू जैसे 5-स्टार होटल में ट्राइबल फूड का डिमांड कैसा है वो मुझे बताइए। जैसे बताया कि यहाँ फूड फेस्टिवल किया था हमने और फूड फेस्टिवल इतना मेगा हिट रहा कि झारखंड गवर्नमेंट ने हमें भारत पर्व के लिए स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दिल्ली भेजा था। तो मैं गया था वहाँ पर भारत पर्व में, हमने पहली बार झारखंड के खाना को रखा। लोग जो वहाँ दिल्ली में हैं वो जानते हैं, जो यहाँ के लोग हैं वो तो बहुत उनकी भीड़ तो आई, भाई रांची दिल्ली में हमको अपने गाँव खाना मिल रहा है, प्लस वहाँ के लोग भी बहुत ट्राई किए, खाए, सबको पसंद आया और हमने झारखंड के लिए फर्स्ट प्राइज लेकर आया था। क्या बात है, कंग्रेचुलेशंस उसके लिए। तो सर, जैसे हमने आपकी ज़िंदगी के बारे में जाना कि आप कैसे संघर्ष करते हुए छोटे से गांव से निकल के इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ के फिर उसके बाद आप बॉम्बे गए, तो आपका संघर्ष और आपकी जर्नी बहुत लंबी थी, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस और लीडरशिप क्वालिटी हमेशा आपके साथ था। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल की जो यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं और जो नौजवान हैं अभी के, और स्पेशली जब मैं ट्राइबल कम्युनिटी की बात करती हूँ, तो आप कौन सा एक मैसेज अपकमिंग जनरेशन को देना चाहेंगे अपनी जर्नी से रिलेटेड, वो आप बताएं। अभी की जनरेशन को बहुत सारे फैसिलिटीज मिल चुके हैं, देखिए बहुत सारा माध्यम है सीखने का, समझने का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, बाकी सारे बहुत सारे जरिया उनके पास करने के लिए, जो हमारी चीज हमारे समय नहीं था शायद। लेकिन तब भी अभी आए दिन हम कभी पेपर में न्यूज़ में देखते हैं कि बच्चे इनिशियली एडमिशन तो हो जाता है कहीं ना कहीं, कहीं इन्वायरमेंट से कॉप अप नहीं कर पाते हैं या फिर फर्दर स्टडीज़ को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं, कई जगह पर आता है सुसाइड कर लेते हैं या फिर अलग रास्ता अपना लेते हैं, कई दोस्तों के बीच कुछ ना कुछ हो जाता है। तो मैं मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप किसी चीज़ को ठान ली है, किसी चीज़ को करने की आप में शिद्दत है, तो फिर ये कठिनाइयाँ हैं ना बहुत छोटी सी, कुछ मायने नहीं रखती जी। बहुत सही कहा, बस आप शिद्दत से करें, कोशिश करें, मेहनत करें, तो मुकाम हासिल करने में बहुत मुश्किल नहीं होता है। और जब जिस दिन मुकाम करें हासिल कर लेंगे आप इन कठिनाइयों को पार करके और जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आंवले की तरह उस स्वाद का मजा ले पाएंगे आप। भाई शुरू खाए तो खट्टा जरूर था लेकिन बाद में कैसा मीठा होता है उसको एंजॉय कर पाएंगे। जी जी जी, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। थैंक यू जी, आपसे बात करके मेरे को बहुत सारी चीज़ें आपसे जानने को मिली और होप सो कि आगे भी हम ऐसी मुलाकातें करते रहें। तो आपका समय देने के लिए थैंक यू सो मच और हमारी पूरी टीम के तरफ से आपको आपके फ्यूचर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। और मेरे सारे व्यूअर्स को मैं कहूँगी, हमें बहुत अच्छा लगा रामचंद्र उरांव जी से मिलके, उनकी लाइफ के बारे में जान के, और भी ऐसे लोगों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जोहार।